सबसे पहले मेरे YouTube फैमिली को जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज आया हूँ मैं भीमाकालीन मंदिर, जो मंडी में ही स्थित है दोस्तों। ये टेंपल, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है दोस्तों ये। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। उठना था, उठ तो दोस्तों यहाँ पे धीमी धीमी बारिश स्टार्ट हो गई है। जा रहे हैं भीमाकालीन टेंपल। तो दोस्तों देखिए भीमाकालीन टेंपल का व्यू कुछ ऐसा है बाहर से। और ये पुल है, ये जो मेन रोड है पार, और नीचे नदी है। और ये पांडव और कुंती जी की प्रतिभा बनाई हुई है, यहाँ भी आपको लेके जाएंगे। सो अभी चलते हैं भीमाकालीन टेंपल के मेन व्यू आपको दिखाते हैं। जय हो। यहाँ पे पांडवों और कुंती जी की प्रतिभा बनाई हुई है, मूर्तियाँ बनाई हुई है, देखिए दोस्तों।
जी पुन्नू जी, कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? तो रो क्यों रही है तुम? क्या क्या हुआ है? सिर में दर्द लगी है? हाँ जी हाँ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? जी कर रहे हैं सरोजना रानी। ये तुम, ये बेबे क्या कमा दी? बढ़िया बढ़िया। ए कौन कौन है ये दसे? हां ए एक कौन थी? तो देखिए दोस्तों, ये भीमाकालीन टेम्पल है और अब हम आ गए हैं पुल पे, तो कुछ ऐसा व्यू है। और देखिए आगे, देखिए गुरुद्वारा भी है, तो वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे। और नीचे का व्यू देखिए दोस्तों कुछ ऐसा है, ये देखिए दोस्तों। तो भीमाकालीन टेम्पल का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से। और ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये कुल्लू मनाली के लिए जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये है मंडी का गुरुद्वारा। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मंडी के बस स्टैंड। ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है मंडी के बस स्टैंड का। अभी शाम हो चुकी है, हम जा रहे हैं अभी पापे। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता रहेगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।